घूमते फिर बाद में खड़े रहेंगे आप फोटो लेके और इंजेक्ट होता है सर मेरा मशीन से अलग हो चुका ओनली डायलिसिस ओनली इसका इसका रीजन कि खाली और ओनली डायलिसिस ऐसा क्या डायलिसिस डायलिसिस का पीडी सीरीज करेंगे ना जाएंगे बहुत अच्छा इनिशिएटिव है बहुत अच्छा लग रहा है पहली बात तो मैं ऐसे हॉस्पिटल में मुंबई में कभी भी नहीं गया हूं इतना साफ सुथरा और इतना मतलब ऐसा ऐसा लग रहा है कि इट्स लाइक अ फाइव स्टार होटल इतनी अच्छी इतनी सुविधाएं और जब मुझे पता लगा कि ये हॉस्पिटल गरीबों के लिए एब्सोल्युटली फ्री है तो मतलब मैं आई कांट बिलीव इट कि इतना अच्छा काम जो ये मातुश्री जयाबेन चैरिटेबल ट्रस्ट कर रहा है योगेश भाई ब्राइट एडवर्टाइजिंग ये आउटडोर एडवर्टाइजिंग जो ये इतना नेक काम कर रहा है इतना बड़ा काम कर रहा है सोसाइटी के लिए लोगों के लिए ये जो चीज़ है वो इसमें क्या कहूँ मैं ऐसा लगता है कि ये धार्मिक जगह है यहाँ जैसे मंदिरों में इतना भगवान दूसरों की दुआएं सुनते हैं और दूसरे की प्रार्थना सुनते हैं वैसे यहाँ पर इतना जो सुविधाएं है जो डायलिसिस 10,000 डायलिसिस होते हैं साल में और कितने लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते जो जिसके जिसकी हालत अच्छी नहीं है लेकिन उनको डायलिसिस कराना पड़ता है ज़िंदा रहने के लिए अपनी अपने हेल्थ के लिए अपनी सेहत के लिए अपनी फैमिली के लिए उनके लिए ये बहुत ही मतलब ये तो क्या कहूँ स्वर्ग है उनके लिए कि उनको एक ज़िंदगी की एक किरण जो है वो एक ब्राइट किरण है वो दिखाई देती है हर बार जब डायलिसिस करते हैं तो ज़िंदगी उनको कुछ और दिन उनको वो हो जाती है नसीब हो जाती है तो ये बहुत बड़ी बात है और इतने सारे बेड्स हैं ऐसे नहीं है कि सिर्फ यही एक सेक्शन है बहुत सारे दूसरे अदर सेक्शंस भी हैं और इतना साफ़ सुथरा और इतना प्यार भरा और इतने हाई टेक इक्विपमेंट्स के साथ ऐसी कोई हॉस्पिटल या ये खासकर डायलिसिस के लिए है ये हॉस्पिटल और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे टेलीविजन सेट्स भी है ताकि लोग वाइल दे रिसीविंग डायलिसिस उन लोग का थोड़ा मनोरंजन भी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है और मुझे बहुत खुशी भी यहाँ पर आके और जो ट्रस्टीज़ हैं उनके साथ में थोड़ा सा मिलके और ये हॉस्पिटल के बारे में पता लगा कर बहुत बहुत खुशी भी वंस अगेन थैंक यू जयाबेन चैरिटेबल ट्रस्ट एंड थैंक यू ब्राइट एडवर्टाइजिंग योगेश लखानी ऑल द ट्रस्टीज़ एंड द टेलीफोन रिंग साथ ही साथ जो रोटरी क्लब है ट्रस्टीज़ है इस ट्रस्ट के और ट्रस्ट की ट्रस्ट के मेंबर्स है और जितने भी स्पॉन्सरर्स हैं जिन्होंने इस महा हॉस्पिटल का को बनाया है और जिस ये सुविधाएँ जो बनाई है लोगों के लिए ये उनको भी बहुत बहुत आभार बहुत बहुत शुक्रिया उनका बस यही दुआ है कि इस तरह से अगर हिंदुस्तान में ऐसे और ट्रस्ट और ऐसे और ग्रुप्स लोगों का अगर लोगों की हेल्प करते रहेंगे तो हमारा देश कहां से कहां चला जाएगा जो हमारा ये काम चल रहा है गरीबों के लिए और समाज के उत्थान के लिए अगर हर आदमी अपनी लायबिलिटी समझे कि हमारी समाज में क्या कर्तव्य है
अगर वो समझ के करे तो हमारा जो ट्रस्ट कर रहा है सब गरीबों के लिए अनाज, शिक्षा, हेल्थ, हर सुविधा दे रहा है। अगर ऐसा सब समझे तो ये देश का बहुत उद्धार हो सकता है। जयाबेन हिम्मतलाल शाह ट्रस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सभी जुड़े हैं इससे, हमको बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि हम सब इससे जुड़े हैं। धन्यवाद, थैंक यू। हिम्मतलाल शाह मातोश्री जयाबेन हिम्मतलाल शाह चैरिटेबल ट्रस्ट ये डायलिसिस सेंटर चला रहा है। उसके सिवा हम लोग एवरी सैटरडे को 800 से 1000 लोगों को फूड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, खाना खिलाते हैं, ब्लड कैंप करते हैं, मेडिकल कैंप करते हैं, आई टेस्टिंग करते हैं, एजुकेशन के लिए हेल्प करते हैं और नोटबुक्स भी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और हर चीज़ हम करते रहे। आप भी हमारे साथ ये कार्य में जुड़ सकते हो। थैंक यू।